नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 13 से लेके 19 नवंबर तक की। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। और अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और एनर्जी वाइज वर्षा भी होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं जेमिनी यानी मिथुन राशि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आप जिनके साथ रिश्ते में हो उनका करंट फीलिंग्स क्या हैं। जेमिनी नाइट ऑफ वॉन्ड्स, से बंदा या बंदी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में है, आपसे मिलने के लिए उतावले हैं, आपसे रिश्ते को और थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए ये उतावले हो रहे हैं। ये अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं इस वक्त, आपसे मिलने की जल्दबाजी भी इनमें है। हो सकता है ये कभी कभी आपसे मिलने आता है या आती है। देख लेते हैं नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। ये बंदा रिस्क लेना तो चाहते हैं। टेन ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है इनको कहीं से धोखा मिला है या फिर इनके सर पे बहुत सारा जिम्मेदारी के बोझ हैं। हो सकते हैं ये पैसा सेविंग्स कर रहा है, करने में बिजी है। जो भी करते हैं ये बंदा या बंदी जो भी कर रहा है इससे ये बहुत ज़्यादा परेशान है। और हो सकता है अपने परेशानियाँ आपसे बांटने आना चाहते हैं, हो सकता है अपना बर्डन जो है इसको हल्का करने आना चाहते हैं। हो सकता है पहले इनको लगा था कि ये जो दुख ये जो परेशानी है ये आप के लिए उनको मिला है, लेकिन फिलहाल ये उस बात को भूल के आगे बढ़ना चाहते हैं और अपनी परेशानी को ख़त्म करना चाहते हैं। हाँ उनमें थोड़ा कंट्रोल इशू था पहले, लेकिन अभी वो सारी चीज़ों को भी ये ख़त्म करके आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा है और बहुत जल्दबाजी में ये आगे आगे रिश्ते को ले जाना चाहते हैं। बहुत जल्दी जल्दी रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं और अपने आप को परेशानी से हल्का करने के बारे में सोच रहा है। अभी देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। फोर ऑफ टू ऑफ पेंटिकल्स, आप थोड़ा जगलिंग के फेस में हो, आप दुविधा में हो, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है इसकी समझ फिलहाल आप में नहीं है। मतलब आप कंफ्यूज हो, आप कंफ्यूजन के मूड में हो। हो सकता है आपके पास किसी चीज़ की दो ऑप्शन हो, रिश्ते की जॉब की दोनों की, या फिर दो दो रिश्ते हैं। तो जब जो भी है पैसों को लेके भी आप कंफ्यूज हो सकते हो। अभी देखेंगे टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, टेन ऑफ पेंटिकल्स जस्टिस नाइन ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है आपने पहले बहुत ज़्यादा परिवार के बारे में सोचा या फिर अभी सोच रहे हो। अभी जो मेहनत कर रहे हो उस मेहनत का जो परिणाम है, जो पैसा है, जो अपनी मेहनत की जो कमाई है वो अपने परिवार के लिए आप देना चाहते हो करंटली। और आप अपने लिए जस्टिस का भी मांग कर रहे हो। वो भी थोड़ा परेशान थे, बिजी थे, दुखी थे, कंट्रोलिंग इशू था उनको, ये करेंटली भी चल रहा है। तो आप दोनों ही मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप दोनों ही परेशान हो, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों ही परिवार चाहते हो। किसी भी तरीके से आप दोबारा से रिश्ते में आना और परिवार को चाहना ये दोनों ही आप चाह रहे हो, लेकिन फिर भी दोनों कंफ्यूज हो। पैसे और रिश्ता क्या आपको चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जेमिनी ये आपको मालूम नहीं है, आप अपने लिए जस्टिस चाहते हो। अभी आपके लिए जस्टिस क्या है, परिवार है
या फिर पैसा है ये आपको पता है, लेकिन आप मेहनत से सब कुछ कमाना चाहते हो, अपने परिवार को कमाना चाहते हो, घर परिवार रिश्ते बच्चे, जिसके लिए आप मेहनत कर भी रहे हो, करना चाहते भी हो, लेकिन आपको जस्टिस भी चाहिए। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, हो सकता है यही आपका जस्टिस है या फिर आपके पर्सन की, और आपके पर्सन को लग रहा था कि उनको धोखा मिला है, उनको परेशानी मिली है, ये इतना सारा बर्डन उठा रहा है, परिवार के लिए सोच रहा है, पैसे सेविंग्स कर रहा है, फिर भी उनको धोखे मिले हैं, तो ये अपने लाइफ को फास्ट करना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं और आगे। और कभी कभी उनको लगता है कि इतना ये आपके साथ इंटीमेट है, इतने क्लोज है, फिर भी आपने उनको धोखा दिया, और ये आपको भी लग रहा है कि आपको धोखा मिला है, परेशानी मिली है, आपको जस्टिस चाहिए। अभी दोनों को जो ख्याल है, दोनों को ही लगता है कि किसी ने किसी को परेशान किया है, धोखा दिया है, तो ये डिपेंड करता है हालात के ऊपर, और आप अच्छे तरीके से जानते हो किसने किसको धोखा दिया है। हो सकता है ये बंदा या बंदी आपसे दूर रहता हो, कभी कभी आता है रिश्ते में, ये आपसे दूर रहता है, इनको लगता है आपने इनको धोखा दिया, जबकि ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए मेहनत कर रहा है, पैसे कमा रहा है, पैसे सेविंग्स कर रहा है, ये घर से दूर है, लेकिन इनको धोखा मिला है, और आपको लग रहा है कि आपने मेहनत से पैसा कमाया, रिश्ते कमाए, घर चलाए, सब कुछ किया, फिर भी आपको धोखा मिला है, आपको जस्टिस मिलना चाहिए, और आप दुविधा में हो कि आपको रिश्ते निभाने हैं या फिर पैसे कमाने हैं। अभी देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं, आपके पर्सन चाहते क्या हैं। जमिनाई यानी मिथुन राशि, हम देखेंगे आपकी पर्सन चाहते क्या है। पेज ऑफ वांड्स, ये अपने लाइफ में नया कुछ करना चाहते हैं, नई शुरुआत चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं। देख लेते हैं पेज ऑफ वांड्स के कार्ड क्यों आए हैं, देख लेते हैं पेज ऑफ वांड्स के कार्ड क्यों आए हैं। एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, ये मेहनत करना चाहते हैं, ये रिश्ते में नई शुरुआत चाहते हैं, या आपकी बच्चों की माता या पिता पहले से ही है, या फिर बनना चाहते हैं, क्योंकि पहले से ही ये मेहनत किए जा रहा है अपने परिवार के लिए। हो सकता है ये अभी आपको अपने सोल में मान रहा है, और आपके लिए उनका जो इमोशन है ये ओवरफ्लो हो रहा है। हो सकता है पहले ये बंदा आता जाता रहता था, लेकिन अभी उनको ये महसूस हुआ कि आप जो हो इनके सोलमेट हो, आपके साथ परिवार देखने लगा है, देखना चाहते हैं, आपके साथ अपना इमोशन को पूरा पाता है ये, आपको अपने बच्चों की माता या पिता के रूप में देखना चाहते हैं, इसीलिए ये मेहनत करना चाहते हैं। इनको पता है इनको जो कुछ भी मिलना है मेहनत से मिलना है, बगैर मेहनत के इनको कुछ नहीं मिलेगा, इसीलिए ये मेहनत करके ये सारा चीज़ हासिल करना चाहते हैं, और रिश्ते में भी नई शुरुआत करना चाहते हैं। अगर आपके साथ इन्होंने अन्याय किया है तो माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। हो सकता है आपसे उम्र में थोड़े छोटे हो, या फिर आप जमीनाई, अभी इनको ये एहसास हुआ कि ये आपके, आप उनके सोलमेट हो, अभी ये मेहनत करना चाहते हैं रिश्ते में भी और फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी, अभी नया कुछ करना चाहते हैं, जैसा रिश्ता चल रहा था वैसा नहीं चाहिए। अभी देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। जमीनाई, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आप एक स्टेबल रिश्ता चाहते हो, स्लोली बट श्योरली रिश्ता स्टेबल हो, आप रिस्क लेना चाहते हो, आप धीरे धीरे एक स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हो, एक स्टेबल रिश्ते की तरफ जाना चाहते हो। अभी देख लेते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टावर के कार्ड, स्टार के कार्ड, डेविल का कार्ड,
आप लोग में कोई एक, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं, फिर भी ये एनर्जी इनकी तरफ से आए हैं, जमीना या आपकी तरफ से, तो हो सकता है अचानक से कुछ हो गया था रिश्ते में, किसी की नजर पड़ी थी, किसी ने कुछ आप लोगों के रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्व हुआ था, जिसके कारण अचानक से रिश्ता ख़त्म की तरफ चला गया था। तो आप धीरे धीरे खुद को अभी हील करना चाहते हो, आप मेहनत करना चाहते हो, और आप ये चाहते हो कि धीरे धीरे रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ भी जाए और आपको फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिले, और जो गलती आपसे हुई थी या फिर आपके साथ हुआ था उससे आप सीख लेके आगे बढ़ना चाहते हो, दोबारा से वैसी गलती आप करना भी नहीं चाहते हो, आप ना किसी के प्रति एडिक्ट होना चाहते हो, आपका एडिक्शन था, हो सकता है आप किसी नशे के आदि थे, या फिर रिश्तों की एडिक्शन था आपको, सेक्स की लत था, जुए की, शराब की, तो आप वो सारी चीज़ें अपने अंदर से ख़त्म करना चाहते हो, आप अपनी एडिक्शन को ख़त्म करना चाहते हो, आप स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहते हो इस रिश्ते को, और अपने लिए आप एक सीख लेना चाहते हो खुद ब खुद कि आपने जो किया है, जो गलती आपसे हुआ है, वो दोबारा ना हो। आपने भी गलती की है और अचानक से हो सकता है आपने वो एहसास हुआ है कि आपसे भी गलती हुआ है, आप हो सकता है अपनी गलती को आप समझने लगे हो अभी, इसीलिए आप नई शुरुआत चाहते हो, स्लोली बट श्योरली ये रिश्ता एक स्टेबिलिटी की तरफ जाए। अभी देखेंगे रिश्ते की आउटकम क्या आता है। प्लीज यूनिवर्स हेल्प करें, जो भी लोग ये रेडी देख रहे हैं, देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। सेवन ऑफ कप्स, कंफ्यूजन, एक से ज्यादा ऑप्शन है यहाँ, लेकिन कोई है जो पुराने रिश्ते में वापस आना चाहते हैं, और कोई है ये समझ नहीं पा रहा है कि पुराने रिश्ते में आना सही होगा या गलत, या अकेला रहना, पैसे कमाना, परिवार चलाना। तो इन दिनों जो वक्त मैंने बताया इसमें थोड़ी कंफ्यूजन रह सकता है रिश्ते निभाने में, रिश्ते आगे बढ़ने में। हाँ, हाय प्रिस्टेस, कोई यहाँ चुप है, देखो किसी ने यहाँ कोई जादू टोना तो किया ही है। कहीं लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, एक से ज्यादा, दो से ज्यादा लोग हैं इस रिश्ते में। देख लेते हैं फोर ऑफ सोर्स, जब भी आप बात करने आओगे कोई एक है अपनी इंट्यूशन को काम पे लगाएगा, कोई चुप रहेगा, कोई देखेगा, इंतजार करेगा कि कब वक्त सही होगा, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि इनको कुछ पता नहीं, इनको सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी ये कुछ नहीं कहेंगे। हो सकता है और लोगों के कारण से आप लोगों का रिश्ता खराब हो जाए इन दिनों, आप लोग रो, परेशान रहो, रात को सो नहीं पाओ। हो सकता है किसी ने आपके रिश्ते में कोई जादू टोना, ब्लैक मैजिक किया होगा। ऐसा कुछ किया है जिसके लिए ये रिश्ता बर्बाद हो जाए, किसी की नजर हो सकती है आपके रिश्ते में, लेकिन ये बंदा या बंदी या फिर आप दोनों के दोनों ही जानते हो, या फिर कोई एक इंसान ऐसा है कि दोनों को, आप दोनों को मिलने नहीं देना चाहते हैं, आप दोनों में झगड़ा करवा रहा है। तो इन दिनों रिकॉन्सिलेशन होना थोड़ा मुश्किल है। जेमिनाई के पर्सन तो चाहते हैं रिकॉन्सिलेशन, नई शुरुआत करना, लेकिन कोई है इस रिश्ते को आगे नहीं जाने देना चाहते हैं, रिश्ते को रोक के रखना चाहते हैं, रिश्ते में परेशानी ला रहा है।
इसीलिए आप लोगों को समझ नहीं आएगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यूनिवर्स जी का गाइडेंस देख लेते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, द हैंगमैन। यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहा है कि अगर आपको रिश्ते में नई शुरुआत करना है, आगे बढ़ना है, सही सोचना है, तो आपको माफ़ी मांग लेनी चाहिए या माफ़ कर देनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि ये रिश्ते सही नहीं चल रहा है, तो एक दूसरे से माफ़ी मांग लो और माफ़ कर दो और आगे बढ़ो और रिश्ते में नई शुरुआत करो। वरना अगर आप इस रिश्ते को रोक के रख रहे हो हैंगमैन की तरह, ना आगे जाना ना पीछे जाना, तो ये रिश्ता कहीं नहीं जाएगा। और अगर जिस नज़रिए से रिश्ते को देख रहे थे, जिस तरीके से रिश्ते को देख रहे थे, उस देखने का नज़रिए को भी आपको बदलना पड़ेगा। कुछ अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। किस तरीके से? नई शुरुआत के बारे में अगर सोच रहे हो तो हो सकता है कोई माफ़ी मांग रहा है तो उसको माफ़ कर दो, या फिर आप खुद माफ़ी मांग लो करके आगे बढ़ जाओ। क्योंकि हो सकता है आप दोनों में से कोई किसी कोई एक है जो बच्चों की माता या पिता है या फिर बनने जा रहा है, तो बच्चों के लिए अगर आप सोचते हो तो रिश्ते में नई शुरुआत करो और आगे बढ़ो, अलग तरीके से सोचो। और अगर नहीं सोच रहे हो तो रिश्ता जैसे चल रहा है वैसा ही चलेगा, परेशानी रहेगी। लेकिन बच्चों के लिए या फिर बच्चों की माता या पिता बनाने के बारे में सोच रहे हो जिसको, उसी तरीके से अगर आप सोचते हो तो आपको माफ़ कर देना चाहिए और माफ़ी मांग लेनी चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। रिश्ते को एक अलग नज़र से देखिए, जैसे चल रहा था वैसे नहीं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।